जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल आल मिक्स ज्ञान सर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो तामसिक और उग्र और यह मानव विद्या बताने जा रहा हूँ, जिसे मैं जनहित जन कल्याण के उद्देश्य से आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, यह जो आगे साधना बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से और थोड़ा सा स्किप किए बिना आप वीडियो को देखें, क्योंकि इसका एक एक सेकेंड, एक एक मिनट बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत खास है। जिसके आप यह प्रयोग करोगे कभी भी, तो फिर बाद में पूछोगे कि यह हुआ या नहीं हुआ। इसलिए इस वीडियो में, यह वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन पूरा स्टेप पूरा वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह करना है, कैसे करना है। इसलिए इसको बिना स्किप किए आप लगातार देखते रहिए, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, आज का वीडियो है मारण पद्धति के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, मारण पद्धति कब और कैसे करना चाहिए, यह भी बताता हूँ। दोस्तों, यह जो जानकारी है उसको आप यह साधना को बिना गुरु के निर्देश पर, बिना गुरु के आज्ञा पर यह साधना बिल्कुल करने के बारे में कभी मत सोचे, ट्राई मारने के विषय भी बिल्कुल ना सोचे। साथ ही साथ जब तक आपको रक्षा मंत्र, सुरक्षा घेरा आपको पता ना हो, या फिर आपको कोई एक देवी या देवताओं का सिद्धि प्राप्त ना हो, तो यह साधना ना करें। या फिर आप किसी भी गुरु से दीक्षा यदि नहीं लिए हो, तो भी इस मंत्र को आप प्रयोग करने के लिए कतई विचार ना करें। यह साधना जो व्यक्ति सिद्ध कर चुके हैं और उनको रक्षा मंत्र सुरक्षा का पूर्णता पता है, उन्हीं के लिए यह वीडियो है, लेकिन जानकारी के लिए आप भी देखते रहिए। दोस्तों, मारण विद्या बहुत ही या तामसिक साधना है, या करना नहीं चाहिए, लेकिन कभी समय पड़ जाता है कि हमको मारण विद्या हमको पता होना चाहिए। इसको कब प्रयोग करना है, जब को भी आपके ऊपर जान पर बन पड़े, कोई शत्रु आपके हमेशा घर को बर्बाद कर रहा है, आपको निष्ठा के कगार पे ला दिया है, आपकी जिंदगी और मृत्यु आपको जान कभी भी ले सकता है, उस स्थिति में इस मारण विद्या को चलाया जा सकता है। ऐसा गुरु के द्वारा यह जानकारी दिया गया है, उसका आदेश है। दूसरा काल में जब कोई अतिताई, कोई चाहे दुष्ट तांत्रिक हो या फिर कोई भी महिला या पुरुष हो, वह अत्याचार कर रहा है, मंत्रों का शक्ति का गलत प्रयोग कर रहा है, उस स्थिति में इस मंत्र को आप मारण विद्या को चला सकते हैं। किसी दुष्ट व्यक्ति पर यह मारण चला सकते हैं, अन्यथा किसी भी घर बसे हुए इंसान पर मारण विद्या या फिर कोई अभेद्य विद्या चलाते हैं, तो इसका पाप का भागीदारी आप स्वयं बनेंगे। इसलिए इसको एक बार नहीं, सौ बार नहीं, हजार बार सोच समझ करके आज मैं जो विद्या बताने जा रहा हूँ इसको चलाइए, क्योंकि यह चलाने की देर है, कार्य होते देरी नहीं है। छत्तीसगढ़ में यह जो है मारण विद्या और टोना विद्या बहुत तीव्र प्रभाव करता है, इसे जो है विद्या है, लेकिन लोग जो है तांत्रिक रहते हैं, वो लोग इस ओरिजिनल पद्धति को बताते नहीं, छुपा कर रख देते हैं। आज मैं जो वीडियो बताने जा रहा हूँ, इसमें ओरिजिनल पद्धति और पूर्ण विधि विधान के साथ में बता जा रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। यह जो आज का वीडियो है और यह साधना है, यह साधना किसी देवी जैसे महाकाली और बूढ़ी माता और रकत मौली, इन तीन देवी देवताओं के नाम से यह मारण विद्या होता है। इसलिए शत्रु को बचने का भी समय नहीं मिलता। इस यह मंत्र प्रयोग करोगे तो आपको 3 दिन, 7 दिन और 21 दिन इसमें कराना किया जाता है। उस कराना के माध्यम से जितने दिन आप दिन निर्धारित करोगे, उस दिन में उस शत्रु का मृत्यु निश्चित हो जाता है, वो मृत्यु हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई कुछ थी क्षण में तबियत खराब हुआ, उसके बाद उसका मृत्यु हो गया। तो इस तरह का प्रयोग, इस मंत्र प्रयोग से आप कर सकते हैं। अब इसको ध्यान से सुनिए, प्रयोग कैसे करना है। दोस्तों, सबसे पहले इस मंत्र को आप सिद्ध कर लीजिएगा। सिद्ध करने के लिए किसी भी अमावस्या, एकादशी मतलब अंधियारी के 11वां दिन, या फिर अमावस्या या ग्रहण काल, दीपावली, होली, हरेली, जेठौनी, इन दिनों में एक दिन यह सिद्ध हो जाता है। सिद्ध करने समय में एक नारियल, अगरबत्ती, नींबू और सिंदूर यह होना आवश्यक है। इसको एकांत रूम में, निर्जन स्थान में या फिर शमशान घाट में जाकर के इसको सिद्ध कर सकते हैं। रात्रि के 11:30 बजे आप आरंभ करेंगे, आपका मंत्र जाप करेक्ट 12 बजे हो, जब बलि देंगे तो करेक्ट 12 बजता हो। अब आपको
जब जिस समय यह साधना कर रहे हो उस समय बिना कपड़े के निर्वस्त्र रहेंगे, चाहे आप रूम में करें या बाहर में करें। इसमें किसी प्रकार से आपको वह धागा भी नहीं रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही साथ उस दिन आप उपवास रहेंगे और मन ही मन ओम नमः शिवाय, शिव शंकर महादेव उसका नाम या फिर माता का नाम स्मरण लगातार चलता रहेगा। सुबह से आपको सुबह से करना है, सुत के उठेंगे। अब इसका साधना कैसे करना है इसको सुनिए। जिस दिन यह साधना आरंभ करेंगे उस दिन सुबह से धरती माता को प्रणाम करके अपने इष्ट देवता कुल देवता सभी का ध्यान करेंगे और रक्षा मंत्र पाठ करके सभी को बंधन करेंगे और उसी समय से मंत्र जाप आप आरंभ करेंगे। आप चाहे तो इसी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन ओम नमः शिवाय कहेंगे और माता पार्वती का नाम लेंगे तो उत्तम होगा। इसको स्त्री और पुरुष, यदि पुरुष पूजा करता है तो महादेव का नाम लेंगे, यदि स्त्री पूजा करती है तो वह जो है माता पार्वती का नाम लेंगे। इस तरह से सुमरन चालू रहेगा। रात्रि के 11 बजे आप एकांत स्थान में चले जाएं या एकांत रूम में जहां आप किसी को यह प्रवेश ना करें। तो 11:30 बजे पूरा आरंभ करेंगे। तब आपको एक नारियल और अगरबत्ती और नींबू सारा सामग्री रखेंगे, नारियल को रखेंगे और वहां पे पानी का चौका लगा देंगे। पानी से चौका आप लिप देंगे, उसमें सफेद अरवा चावल रख देंगे। उसके बाद में एक दीपक जो कि सरसों तेल या फिर नीम का तेल, यह दोनों में सबसे उत्तम नीम का तेल उपयुक्त माना गया है। तो नीम का तेल को जला करके आपको दीपक प्रज्वलित कर देना है और आपको सामने बैठ जाना है पालथी मोड़ करके। बैठने के बाद में आप अगरबत्ती जला करके गणेश गुरु सरस्वती इन सब का आवाहन करना है, ध्यान करना है, पूजन करना है। उसके बाद में अपना शरीर का बंधन और सुरक्षा घेरा कर लेना है और अपने इष्ट देव देवता से सुमरण करें कि मेरा कार्य निर्विघ्न पूरा हो और सभी माताओं का जो सुमरण करें। उसके बाद में आपको नारियल को रख करके वहां पे उसमें फूल छिड़क दें और उसमें पूजा पाठ और भोग के लिए आप उसमें जिस समय देंगे उस समय सात्विक में आप उस दिन पूजा करें, थोड़ा सा अरवा चावल फूल थोड़ा सा आप दे दें। उसके बाद में आपको नींबू में कुमकुम लगा देना है और वहां पे एक रख देना है। रखने के बाद मंत्र आप जाप आरंभ करेंगे। 108 बार इस मंत्र का जाप करेंगे निरंतर। 108 बार जाप होने के बाद में आप दो नींबू पकड़ेंगे और दोनों नींबू को बारी बारी से आपको मंत्र पढ़ते हुए काटना है, दूसरा नींबू काट देना है। तो इस तरह करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। मैं बता देता हूं अब इसका मंत्र। मंत्र इस प्रकार है, ओम सुरु देवी पुरतकाल चला के नाम पढ़े, देवी उठे थरथरा के खून आंसू बहे, चल देवी बैरी के जगह जाबे, बैरी के घर बार उजार करबे, अमुक लपावे तेला खाबे, फिर के आबे ता कुंवारी पूजा में शांत होबे, जा माता चले जा अमुक दिन मा मार गिरा। इसी तरह यह मंत्र है, इसी मंत्र को जाप करना है। अब सुनिए इसको प्रयोग कैसे करना है। जब भी आप इनको प्रयोग करेंगे इस मानव विद्या का, तब आपको उस व्यक्ति का पैर का मिट्टी या फिर सिर का बाल या फिर कपड़ा जिसका आवश्यकता होगा आपको, उनको ला करके आपको आटे का एक पुतली बनाना होगा। पुतली जो है 8 अंगुल का होगा, जैसे एक उंगली है एक अंगुल, 2, 3, 4, इस तरह 4 और 4, 8, इतना लंबा आप उसका पुतली बनाएंगे। उसका हाथ होगा 4 अंगुल का दोनों, और पैर भी 4 कलर का होगा, 4-4 इस तरह आपको बनाना है। उसमें आंख बना सकते हैं, नाक, मुंह, स्त्री का यहाँ तो स्त्री स्वरूप पूरा बनाना है आपको, अगर पुरुष है तो पुरुष की तरह बनाना है। और उसको बना करके यह प्रयोग को आप घर में भी प्रयोग को कर सकते हैं, लेकिन सामान को छोड़ना बाहर पड़ेगा, इसलिए आप शमशान घाट में करें सबसे उत्तम होगा। एकांत जगह या फिर शमशान घाट जा करके वहां आपको बैठ जाना है। आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होगा, जबकि सिद्धि करते समय में आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होगा। जब प्रयोग करने समय में दक्षिण की ओर मुख होगा, आप किसी भी जहां पे चीता जला दिया हो या कोई मिट्टी में दफना दिया हो वहां पे आपको बैठ जाना है। आपको मुख दक्षिण दिशा होगा और जहां पे मिट्टी से बनाए रहते हैं उसके ऊपर में रखना है, उसके समक्ष जमीन में रखना है, और उसका मुंडी उत्तर दिशा को होगा। वहां रख करके आपको जाना है और नारियल अगरबत्ती होम धूप और नींबू ये भी ले जाना होगा। ले जा करके सबसे पहले गणेश गुरु सरस्वती जिस तरह आपने सिद्धि में पूजा किया था उसी तरह से करना है। जब आपको प्रयोग करना है तो जहां पे मंत्र में अमुक शब्द आया है वहां उस व्यक्ति का नाम लिया जाता है
और नाम लिया जाता है, तब आपको पुतली को रख देना है। रखने के बाद में उस व्यक्ति का नाम को सीने में लिख देना है, किससे? कुमकुम से, लाल कुमकुम या लाल सिंदूर से उसका नाम लिख देना है। चाहे नाम स्पष्ट दिखाई दे या ना दे, लेकिन नाम लिख देना है। लिखना किससे है? अगरबत्ती से लिख सकते हैं या किसी भी लकड़ी से आप ले सकते हैं, बांस का इस्तेमाल नहीं करेंगे बस। या फिर शमशान घाट की जो लकड़ी होती है जिसमें मुर्दे को ले जाता है अर्थी, उससे लिख सकते हैं, उत्तम होगा। लिख करके आपको रख देना है। फिर उस पर प्राण प्रतिष्ठित करना है। प्राण प्रतिष्ठित करने के लिए आपको धरती माता और नौ ग्रह, चांद सूरज और अपने नौ देवी को जिसको आवाहन करना चाहते हैं, जैसे बूढ़ी माता, रखत मौली और शमशान काली जिसका वाहन है, उनका नाम लेते हुए इसमें प्राण प्रतिष्ठित हो जाए इस तरह बोलना है। यदि उनका तस्वीर है आपके पास में तो उसका तस्वीर को सीने के पास में रख दीजिएगा, सबसे उत्तम होगा। वहां रख दे करके आपको एक नींबू का बल उसी के ऊपर में डाल देना है सबसे पहले। उसके बाद में आपको आलपिन लेना है। आलपिन जो लोहे का हो, वो आलपिन को उठाना है। यह तीन आलपिन, पांच, सात या 21 आपको लेना है। और लेने के बाद में उस व्यक्ति के सीने में आपको मंत्र को पढ़ना है। और मंत्र पढ़ेंगे, तीन बार मंत्र पढ़ेंगे एक किल पर, उसके बाद फूंक मारेंगे और फिर उसके बाद में एक साथ में घोप देंगे। जहां जहां उनको शरीर में घोपा जाता है उस जगह में दर्द उत्पन्न होने लगता है। उस तरह से इसको मस्तक में घोप दिया जाता है तो उसकी मृत्यु निश्चित होता है। इस तरह से यह प्रयोग है करना है। उसके बाद में आपको वहां पे कराना करना है, मतलब कि उस व्यक्ति को निर्धारित करना है कि यह जो है व्यक्ति तीन दिन या सात दिन या 21 दिन में इसका मृत्यु हो जाना चाहिए। जब इसका मृत्यु हो जाएगा तब मैं आपको एक मुर्गी या फिर बकरी आपको भेंट स्वरूप दूंगा, या फिर आप उसी दिन मुर्गी दे सकते हैं कि मैं आपको देना है। अब मुर्गी कैसे देते हैं, जब दे रहे हैं उस समय, अब हो गया नींबू दे दिए, अब आपको मुर्गी को पैर को धो देना है, उसके सिर में चंदन लगा देना है या सिंदूर लगा देना है। उसके बाद में जा मैं यहाँ भोग दे रहा हूँ, इसको स्वीकार कीजिए मुर्गी को और उस व्यक्ति को, उसे शत्रु को नाश कीजिए, इस तरह आपको बोलना है। और चावल को उसके शरीर, उस मूर्ति बनाए हैं वहां से घुमा लेना है, उसे सामने रख देना है और मुर्गी को उसके पास रख देना है। हे माता, मेरा पूजा स्वीकार करो, यह शत्रु को नाश करो। तो वो मुर्गी अपने आप चावल उठा लेगी, खा लेगी। यदि नहीं खाता तो आपको बलि नहीं देना है, आपको कर देना है। आप चाहें तो उसको बलि दे सकते हैं, नहीं तो आप वहां पे छोड़ सकते हैं। बलि देने के बाद में बलि दे देते हैं तो उसको जो है उसका खून जो निकलता है उसको उस पुतली के ऊपर डाल दीजिए, डाल देना है और उसके बाद उसको छोड़ देना वहीं पे। उसके बाद में उनको सारा चीज को उठा करके, सारा सामग्री को ये हो जाने के बाद में उनको एक मटकी में उसको अंदर में डाल देना है और उसको ऊपर से पैक कर देना है, ढक्कन लगा देना है। और लगाने के बाद में उसको किसी एकांत जगह में उसको दाब देना है मिट्टी के अंदर में। इस तरह यह प्रयोग है, इस प्रयोग को करते हैं। इनसे जब वो प्रयोग करोगे उसके बाद तीन ही घंटे के बाद में उस व्यक्ति को यह प्रभाव होने लगता है। दोस्तों, यह प्रयोग तामसिक है, उग्र है और हाँ तामसिक है, उग्र है। एक बात को ध्यान रखें, यदि आप सच में कोई आपको परेशान कर रहा हो तो ही आप इनका प्रयोग करें, नहीं तो ये दोधारी तलवार है। या यदि आप सामने वार ऊकर वार नहीं होगा तो आप अपने जान से भी चले जा सकते हैं। इसलिए सावधान रहें, गुरु के सानिध्य में, गुरु के निर्देश पर ही यह साधना करें। यह जो मैं जानकारी आपको बताया हूँ, यह जो है जनहित जन कल्याण के लिए बताया हूँ। आपकी बहुत लोग इसका मांग कर रहे थे, मारण विद्या के बारे में बताइए, तब मैं आपको बताया हूँ। दोस्तों, इसका सही उपयोग अगर इस साधना का, इस मंत्र का प्रयोग करें तो ही चलाएं, अन्यथा इसके बारे में चलाने के बारे में विचार ना करें, गुरु से परामर्श ले लें। जानकारी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए। मेरे चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल बेल आइकन है उसको प्रेस करके आज रेट जरूर कर लीजिएगा, तब भी आगे मैं जब भी वीडियो बनाऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, इसमें जो धूप का इस्तेमाल करेंगे वह जो है काला धूप, यदि आप धूप देते हैं तो इस तरह से काला धूप है, इसका इस्तेमाल करेंगे। जो कि आपको किसी भी पंसारी दुकान मिल जाए काला धूप बोलेंगे, उनका आपको धूप देना है, सिद्धि करते समय भी और प्रयोग करते समय भी। दोस्तों, अब तक आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।